सो वंस अगेन वेलकम टू आवर नेक्स्ट कीवी ट्यूटोरियल। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये MD डाटा टेबल के बारे में। ठीक है, डेटा टेबल क्या होता है कीवी MD में, ये चीज़ें हम जानने वाले हैं और हमारा कुछ ऐप हम कुछ बनाने वाले हैं, कुछ इस तरह का ऐप जो हम रन करा के आपको दिखा रहे हैं। तो हमारा जो आउटपुट होगा कुछ यहाँ पे ओपन हो जाने दीजिए, यहाँ पे कुछ ऐसे इस तरह का हम लोग के पास ऐप होगा जहाँ पे ये हम मतलब एक तरह से कोई भी रेस्टोरेंट का ऐप बना सकते हैं। जो मान लो ये मेरे पास अवेलेबल है, ये उस पर मैं टिक लगा दिया, ठीक है, ये एक तरह से टेबल हम बना सकते हैं। ये सारे नोटिफिकेशन टाइप, मतलब ये कई जगह यूज हो सकता है। यहाँ पे आप जैसे मेन्यू आप बना सकते हो कि यार मेरे को क्या क्या ऑर्डर करना है, लाइक मैं रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ, मेरे को ये ऑर्डर करना है, मोमो ऑर्डर करना है, बर्गर ऑर्डर करना है, बर्गर ऑर्डर करना है, बर्गर मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं चेकआउट का बटन लगा दूंगा, यहाँ पे सीधे चेकआउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत जगह यूज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पेजिनेशन भी है, यहाँ से आप देखो 10 आइटम्स मैंने ऐड कर रखे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे, ये काफी देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है और इसका यूज हम मल्टीपल जगह यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज को बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो ये है MD डेटा टेबल, ओके, डेटा टेबल है ये और मटेरियल डिजाइन के साथ आता है, इसलिए हम MD डेटा टेबल है। इसका कोड कुछ ऐसा हम लोगों ने लिख रखा है, मैं एक बार आपको कोड का ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ, मतलब कोड कैसा है। उसके बाद एक्सक्रैच से हम लिखेंगे और इसको बनाएंगे, ठीक है। साथ में मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ गाइस, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने एक एक चीजें यहाँ पे समझा रखी है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, और ये जितने भी मैंने लिखा रखा है, जैसे यहाँ पे देखो ये सारी चीजें लिखा रहा है कि पैकेज से कैसे इंपोर्ट किया है, DP क्या है, डिस्प्ले पिक्सल जो यहाँ पे मैंने यूज किया है, यहाँ पे देखो kiwi.matrix से यूज किया है DP, तो ये DP क्या है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है डिस्प्ले पिक्सल, मतलब पिक्सल्स की साइज होती है ये डिस्प्ले पिक्सल kiwi में। यहाँ पे सारी चीजें मैंने लिख रखा है कि चेक ट्रू क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे और नोट्स से आप एक बार पढ़ लेना, ओके, इसको एक बार देख लेना, उसके बाद इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद नोट्स से एक बार पढ़ लेना, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, ये DP इंपोर्ट किया है डिस्प्ले पिक्सल, क्योंकि हम लोग को पिक्सल्स की साइज देनी होती है ना यार, यहाँ पे जो हम लोगों ने दे रखा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो इसका, देखो यहाँ पे ओपन हो जा भाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये साइज दे, मान लो नंबर का इतना साइज है, प्राइस का इतना साइज मैंने दे रखा है, नेम का इतना साइज मैंने दे रखा है, जो ये साइज दे रखा है ना, ये साइज को एलोकेट करने के लिए हम लोग को पिक्सल्स में साइज देना पड़ता है ना, तो इसलिए हम मैट्रिक्स का यूज करके डीपी को यहाँ पे इंपोर्ट किया, मतलब डिस्प्ले पिक्सल को इंपोर्ट किया कि कितना पिक्सल का साइज हमको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 30 पिक्सल का मैंने साइज नंबर को दिया है, प्राइस को 30 पिक्सल का दिया है डिस्प्ले पिक्सल का, और यहाँ पे नेम को मैंने 60 पिक्सल का साइज दिया, तो ये साइज को डिनोट करने के लिए ये डीपी हम लोगों ने इंपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद एमडी ऐप इंपोर्ट किया काहे के लिए, आपको पता ही है हम लोग हमेशा यूज करते आ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक लेआउट को इंपोर्ट किया, इस लेआउट में हम लोग इसको अपना बनाएंगे, ठीक है, लेआउट में इसको हम लोग अपने रखेंगे। लेआउट्स के विषय में हम लोगों ने वीडियो देख रखा है, लेआउट क्या काम करता है, लेआउट क्यों यूज किया जाता है, कौन कौन से लेआउट्स होते हैं, सारे हम लोगों ने किवी के ट्यूटोरियल में देख रखा है, तो आप एक बार उसको जाके देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इंपोर्ट किया है एमडी डेटा टेबल को, जो डेटा टेबल हम लोगों ने यूज करना है, जो डेटा टेबल, ये जो टेबल आपको सामने दिख रहा होगा ये ओपन हो जाए, यार बड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। देखो यहाँ पे ये जो टेबल आपको सामने दिख रहा होगा, ये टेबल बनाने के लिए हम लोग डेटा टेबल का यूज करेंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता चल गया होगा यार क्या क्या इसे इंपोर्ट करना है। उसके बाद हम लोगों ने एक ऐप मतलब एक क्लास डिफाइन किया, उसके अंदर बिल्ड मेथड ओवरराइड किया, उसके बाद हम लोगों ने लेआउट को इनिशियलाइज किया, उसके बाद डेटा टेबल को हम लोगों ने इनिशियलाइज किया, उस डेटा टेबल के अंदर हम लोगों ने साइज दिया, चेक दिया, चेक क्या होता है, यहाँ पे जो चेक बॉक्स आ रहा है उसको हम लोगों ने डिनोट करने के लिए यहाँ पे चेक लगाया है, ओके, यहाँ पे ओपन हो जाए, यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इसको हमने लगाने के लिए यहाँ पे चेक इक्वल टू ट्रू लिखा है, यूज पेजिनेशन इक्वल टू ट्रू, पेजिनेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे वन पेज है, टू पेज है, पेज में जैसे स्विच करने के लिए अलग अलग, उसको डिनोट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पेजिनेशन को ट्रू कर दिया। देखो यार पेजिनेशन को आप इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारा कोड लिखते हो, यहाँ पे बस एक लाइन आप कोड लिखोगे यूज पेजिनेशन ट्रू, ये पूरा काम आपका कर देगा, यार कितना ईजी हो जाता है ना, एक लाइन में आप पेजिनेशन का फंक्शनलिटी प्राप्त कर लिए, मतलब यार काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। उसके बाद आपको सिंपली कॉलम डेटा, कॉलम डेटा मतलब ये जो होता है ना कॉलम डेटा आपका, ठीक है,
ये जो आपका मेन होता है हेडिंग, इसके लिए आपको क्या क्या मतलब कॉलम डेटा में क्या क्या मतलब देना है आपको, तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन चीजें दिया है, नंबर प्राइस नेम, ठीक है, नंबर प्राइस नेम, ओके, हम लोगों ने तीन यहाँ पे जैसे नहीं होता है एच आर होता है मतलब हेडर रो, जैसे आप लोगों ने एस टी एम एल में पढ़ा होगा टेबल में, वैसे ही जो होता है ना थोड़ा मैं हल्का सा मेरे को भूल गया है हल्का सा, जो उसमें टेबल होता है ना एच आर करके होता है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं एच आर हॉरिजॉन्टल लाइन होता है टेबल में, क्या होता है टी आर ऐसे कुछ होता है, थोड़ा सा मेरे को भूल गया, ठीक है, तो सेम वैसे ही है जैसे यहाँ पे हेडर जो हम लोग को यहाँ पे देना है ना कॉलम के लिए, तो ये उसके जो भी हेडिंग्स हैं वो चीज़ें इसको डिनोट करता है, ओके। यहाँ पे देखो टोस्ट भी दे रखा है यार, एकदम ऐसे यहाँ पे करो टोस्ट भी दे रखा है, मतलब काफ़ी आपको सारा काम करके दे दिया है, बस आप पिक्स को यूज करो एंड देन आपका कोड रन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन चीज़ें दी हैं, नंबर प्राइस नेम, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नंबर प्राइस नेम, ओके। उसके बाद रो डेटा, मतलब इसके जो रोज है यहाँ पे जो रोज आपको दिखाई दे रहे हैं इसके लिए इसका डेटा जो है वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे फिल किए हैं, देखो पहले में हम लोगों ने मोमो फिल किया, दूसरे में बर्गर फिल किया, तीसरे में सब कॉपी पेस्ट बस बर्गर फिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके ये सारे डेटा है यहाँ पे आपको दिखाई दिए जा रहे हैं है, ओके। तो ये है सिंपल कोड, उसके बाद हम लोगों ने इसको सिंपल लेआउट में ऐड कर दिया, लेआउट को रिटर्न करा दिया, अपने क्लास को रन कर दिया, बस हो गया, हम लोग का प्रोग्राम रन हो गया और बन गया। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो यार अब हमको जहाँ तक लग रहा है यार आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो मैं फिर से इसको स्क्रैच से लिख रहा हूँ और आपको फिर से मैं बता रहा हूँ क्या क्या काम ये कर रहा है, कैसे कैसे, ठीक है। तो फिलहाल हम इस सारे चीज़ों को यहाँ से हटाते हैं और अपना कोड स्क्रैच से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम KiwiMD से अपना ऐप को इम्पोर्ट करेंगे, KiwiMD.app इम्पोर्ट ऐप MD app, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम kiwi.matrix मैट्रिक्स इम्पोर्ट डी पी, ओके। ये काहे के लिए किया हम लोगों ने, डिस्प्ले पिक्सल देने के लिए किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को क्या इम्पोर्ट करना है, फ्रॉम kiwi.md.uix. क्या डेटा टेबल्स इम्पोर्ट MD डेटा टेबल्स, ओके। ये चीज़ें इम्पोर्ट किया, उसके बाद हम लोग एक लेआउट इनिशियलाइज करेंगे ना, उस लेआउट में इसको रखने के लिए तो हम लोग एंकर लेआउट का यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम kiwi.md.uix.anchorlayout इम्पोर्ट MD एंकर लेआउट, ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने इम्पोर्ट किया। यहाँ पे मैंने स्क्रीन को इम्पोर्ट कर रखा है गाइज, आप स्क्रीन का भी यूज ले सकते हो, लेकिन एंकर लेआउट का यूज़ करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने एंकर लेआउट को इम्पोर्ट किया, कई चीज़ें मैं अपने नोट्स से भी जो नोट्स मैंने दे रखा है उससे इन्हेंस करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेजिनेशन को डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मैं पेजिनेशन को बता रहा हूँ, तो आप दोनों को लेके चलोगे साथ में तो आप ज़्यादा सीख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सारे जितने भी इम्पोर्टिंग के काम थे ये सारे चीज़ें हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक क्लास बनाना है, ठीक है, क्लास बनाना है। हम क्या बनाएंगे, माई डाटा टेबल ऐप, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, मैं दिया हूँ माई डेटा टेबल ऐप, ठीक है। इसके अंदर MD ऐप को इनहेरिट कर लेगा ये, ठीक है, और इसके बाद ये बिल्ड मेथड को ओवरराइड करेगा, ठीक है, यहाँ पे बिल्ड मेथड को ओवरराइड कर दिया, ओके। एंड देन यहाँ पे माय डेटा टेबल को ये कॉल कर दिया एंड डॉट रन मेथड से, ओके। तो यहाँ पे मेरा सिंपल ऐप तो यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। अब हम आपको एक और टेक्निक बता रहे हैं यार, मतलब अगर आप ना थोड़ा सा अपना ये जो वेरिएबल में असाइन करते हो नाम, वो सारी चीज़ें से अगर बचना चाहते हो ना, तो एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे आप कुछ भी करते हो, जैसे ना फ्लो क्या रहता है, यहाँ पे मैं फ्लो बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं ना थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पे जा रहा हूँ, तो आपको तो सोचने की शक्ति है ना, उसको मैं आपका एनहेंस कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, फ्लो ऑफ द प्रोग्राम क्या है हमारा, पहले हम मतलब जो भी असाइन करेंगे वो पहले हम डेटा जो आपका लेआउट होगा, लेआउट के अंदर हम कुछ भी असाइन करेंगे, लेआउट के अंदर हम क्या असाइन करेंगे, यहाँ पे डेटा टेबल, ठीक है, डेटा टेबल,
तो हमारा ये सीन रहेगा, हम जो मतलब मेरा हमारा जो डेटा टेबल है ये किसके अंदर रहेगा, लेआउट के अंदर, क्योंकि लेआउट के अंदर ही ना ये रहेगा यार। लेआउट तो पूरा मतलब लेआउट ने जो भी आपने लेआउट पढ़ा है, बॉक्स लेआउट, एंकर लेआउट, जितने भी लेआउट्स पढ़े हैं वो सारे मतलब उसके अंदर ही ना आप जितने भी कंपोनेंट्स बनाते हो लेआउट्स के अंदर ही बनाते हो, स्क्रीन के अंदर बनाते हो। सबसे पहले आप अपने जो बॉडी अपना जो ऐप है उसके अंदर ये सारी चीज़ें, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपने असाइन किया लेआउट वगैरह, और उसके अंदर आप अपने कंपोनेंट्स को मतलब असाइन करते हो, तो ये सारी फ्लो होता है ना आपके डेटा का, अपने आपके प्रोग्राम का, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके अंदर हमको ये करना है ना असाइन, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे क्या, ये डायरेक्टली हम करा सकते हैं, वैसे भी करा के दिखाऊंगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर आपको ना समझ में आए तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बस थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का हल्का सा पुश करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे MD हम लोगों ने जो यहाँ पे लेआउट हम लोगों ने दर्शाया है उसको हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, ठीक है। और इसके अंदर हम इसके अंदर हमको क्या इनिशियलाइज करना है, MD डेटा टेबल, जो हम लोगों ने डेटा टेबल बनाया उसको सिंपल इसके अंदर हम लोगों ने हमको इनिशियलाइज करा देना है, ठीक है। देखो यार कितना क्लीन कोड लग रहा है ना, पहले वैसे वेरिएबल में असाइन कराते थे, फिर ऐड विजिट से करके उसको ऐड कराते थे, फिर रिटर्न कराते थे, तो वो मतलब थोड़ा मतलब देखने में हल्का सा वो लगता था ना, कोड उतना क्लीन नहीं लगता था, लेकिन अब देखो कोड कितना क्लीन लग रहा है। बस सिंपल हम लोगों ने इसके अंदर MD एंकर लेआउट के अंदर MD डेटा टेबल को इनिशियलाइज किया, अब इसके अंदर हम जो भी हमारी मतलब फंक्शनलिटीज है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया साइज हिंट, साइज हिंट हम लोगों ने क्या दिया, साइज हिंट तो आपको मैंने बताया है कि इसकी साइज को दर्शाता है, तो 0.7 दे दिया जो हम लोगों ने दे रखा था, और 0.6 दे दिया, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसकी साइज के साथ प्ले कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो मैं आपको मतलब साइज हिंट भी मैं पहले हटा देता हूँ, मैं सिंपल आपको स्क्रैच से एक एक चीज़ें दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा, ठीक है, मैं इस सबको बाद में दूंगा, ओके। पहले हम क्या देंगे कॉलम डाटा, जिस मैं एक एक चीज़ें आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी अच्छी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तीन डेटा देंगे, पहला क्या देंगे नंबर, ओके। उस नंबर में हम लोग क्या देंगे, नंबर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। तो देखो यार जितने भी आप वो डेटा टेबल आप कॉलम करोगे ना, तो इसको इसके अंदर लिखोगे, यहाँ पे इसके अंदर लिखोगे, ओके, ठीक है। तो नंबर लिखोगे इसका, और उसके बाद इसकी साइज क्या दोगे आप, DP डिस्प्ले पिक्सल, इसकी साइज दे दोगे आप 30, ओके, हो गया ना। उसके बाद क्या आपको क्या करना है, इसको इसी लाइन में हम लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे यार, बता नहीं रहे हो यार, चलो ठीक है मैं ही बता देता हूँ। उसके बाद दूसरी लाइन आप लिखोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ पे दूसरा जो आपका पैरामीटर था क्या था, नेम, उसका हम साइज क्या देंगे, DP कितना देंगे, DP 60 दे देते हैं, ओके। उसके बाद हम क्या देंगे यहाँ पे, प्राइस पे हम क्या देंगे, बताओ क्या देंगे हम, डिस्प्ले पिक्सल कितना साइज देंगे इसका, 30। समझ में आ रहा है ना यार मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या मैंने तीन कंपोनेंट्स बनाए, इसको मैं ऐसे वो कर दे रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा यार। देखो यहाँ पे मैं हम लोगों ने तीन कंपोनेंट्स दिए, नंबर, नेम, प्राइस, ठीक है। इसकी साइज दे दी 30 पिक्सल, इसकी साइज दे दी 60 पिक्सल, इसकी साइज दे दी 30 पिक्सल, ओके, गॉट इट। अब इसको हम रन कराते हैं और देखते हैं क्या हमारा आउटपुट क्या आता है, ओके। तो गाइज ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सारे एक एक कंपोनेंट्स हैं, तो इसको हम लोग को एक एक इसके अंदर लिखना पड़ेगा, ओके। तो एक एक यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर हम लोग को इस सारे चीज़ों को लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सारे अपने अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारी को एक एक उसमें दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये एक आइटम है और ये एक आइटम है, तीन आइटम्स हैं, तो तीनों को अलग अलग हम लोग को लिखना पड़ेगा ना। तो अब हम इसको रन कराते हैं, ओके। एंड देन इसका साइज भी यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा हम लोग को, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका साइज हिंट कर देंगे, ओके। क्या हम लोगों ने देना है हम लोग को, साइज हिंट, ओके। तो साइज हिंट हम लोग क्या देंगे बताओ यार, यहाँ पे हम देंगे 0.7 और 0.6, ओके, यहाँ पे और कॉमा लगा देंगे, ओके। तो हम लोगों ने साइज दे दिया, अब हम इसको रन कराते हैं, ओके।
तो फिर भी एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो यार यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम का स्पेलिंग जो है मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। अब हम इसको रन कराते हैं, ओके, एंड देन व्हाट द। तो गाइज हम लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि ये जो हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने जो बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पे लगा दिया था, उसके बाद भी हमने सबसे छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया था, दो दो ब्रैकेट हम लोगों ने लगा दिए थे, तो ये चीज़ें हम लोगों ने गलती करी थी। अब हम इसको रन कराते हैं तो हमारा जो ऐप है इजीली रन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग का ऐप जो है इजीली रन हो गया, ओके ओके। तो ये ऐसा हम लोग का कुछ फ्लो है, ठीक है। हम लोग इस ब्रैकेट के लगाने के बाद फिर भी एक छोटा ब्रैकेट लगा दिए थे, दैट्स वाई इट्स गेटिंग एन एरर, इट्स थ्रोइंग एन एरर, ठीक है। और शायद मैंने नोट्स में भी यही लिख रखा है, आई थिंक सो। देखो या कॉलम रिटर्न, नहीं मैंने नोट्स में सही लिख रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट्स को मदद ले सकते हो, ठीक है। मैंने गलती करा था, इसके बाद भी एक ब्रैकेट लगा दिया था, तो वो चीज़ें गलत थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कॉलम डेटा में तीन डेटा हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट करा है, एक ये मतलब डेटा है नंबर, और दूसरे डेटा है नेम, और तीसरा डेटा है प्राइस, ठीक है। तो ये तीनों डेटा कहाँ पे आ रहा है आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे देखो ऊपर आ रहा है, यहाँ पे एक पहला नंबर आ रहा है, फिर नेम आ रहा है, फिर प्राइस आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी साइज हिंट पहले हटा के देखते हैं क्या मतलब एक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे साइज हिंट हम लोगों ने हटा दिया, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या मतलब कैसा आ रहा है। देखो ये साइज हिंट हटा दिया तो ये पूरा जो स्क्रीन है हमारा ये पूरा ले लिया है, ठीक है। तो साइज हिंट ये काम करता है, इसको एक साइज इनिशियलाइज करता है छोटा सा, और यहाँ पे ये जो ऐप होता है हम लोग का काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। तो जितनी साइज देनी है आपको अपने ऐप को उतना साइज आप अपने दे सकते हो, ठीक है, अपने ऐप को, ठीक है। तो वो आपके ऐप को मतलब अच्छा बनाता है, ठीक है, आप अट्रैक्टिव बनाता है और लुक उसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, ओके। तो ये चीज़ें हम लोगों ने सीख ली। उसके बाद हम लोग का दूसरा पैरामीटर क्या था, दूसरा पैरामीटर हम लोगों ने क्या किया था, चेक दिया था। मैं इसको भी बता रहा हूँ आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा, चेक इक्वल टू ट्रू, ओके। तो चेक हम लोगों ने चेकबॉक्स को भी ट्रू कर दिया, तो अब क्या होगा बताओ, क्या होगा आप दिमाग सोच के बताओ, जल्दी से कमेंट में लिखो जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे ये चेक बॉक्स आ गया, ठीक है, तो ये भी आपका मतलब चेक बॉक्स भी आ गया, ठीक है। और ये हम लोगों ने थोड़ा ऑर्डरिंग यार गलत कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या करा जाए, हम लोग ये जो नेम वाला है ना इसको हम क्या करते हैं नीचे कर देते हैं, ठीक है, इसको हम नीचे कर देते हैं और इसको बीच में कर देते हैं, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा देखने में। अब मैं दिखा रहा हूँ नेम प्राइ नंबर प्राइज नेम, ओके। तो थोड़ा देखो यहाँ पे अब अच्छा आ रहा है, यहाँ के नेम के लिए पूरा स्पेस आ रहा है और नंबर प्राइस में हल्का फुल्का स्पेस है, तो अब अच्छा लग रहा है हमारा ऐप, ठीक है। तो ये चीज़ें थी मतलब हम लोग का जो मतलब देखने को मिल रहा है ऐप ये। अब इसके अंदर हम लोग को क्या इंसर्ट करना है, क्या इंसर्ट करना है आप बताओ। इसके अंदर अब हम लोग को इंसर्ट करना है, क्या करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, सॉरी रो इंसर्ट करना है। इसके रोज क्या है, तो रो डेटा, रो का डाटा हम लोग यहाँ पे करेंगे और इसके अंदर हम लोग अपने रो का जो डाटा है वो इंसर्ट करेंगे। तो इसके अंदर पहला डाटा हम इंसर्ट करेंगे, पहला उसका प्राइस क्या रखेंगे, प्राइस रखेंगे 250 रख देंगे। और इसमें क्या हम आइटम्स भरेंगे, यहाँ पे आइटम्स हम कुछ अलग भरे क्या, यहाँ पे क्या भरे, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा को 850 कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारा पहला डेटा है, ठीक है, मैं इसको रन करा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारा पहला डेटा है, ओके, यहाँ पे देखो आ गया ना पहला पी 850 रुपये प्राइस का पिज़्ज़ा, ओके। तो यहाँ पे हमारा पहला जो डेटा है यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा होगा। अब हम एक घंटा टाइप नहीं करेंगे, इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कितनी बार आई डोंट नो कितनी बार, ओके। यहाँ पे आप फॉर लूप वगैरह का यूज भी कर सकते हो, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसमें कितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया, कौन सा फंक्शनलिटी क्या क्या काम करता है ये सारी चीज़ें बताना सिखा दिया। और आगे का जो भी एक्सप्लोरनेस मतलब इसका एक्सप्लोर करना है आप इसको करो, और जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना आपके लिए ये चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल होंगी, बिकॉज़ आप इसके बारे में और अधिक जान पाओगे। अगर बस आप
ट्यूटोरियल्स देखोगे तो यार आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार जो पढ़ाया जा रहा है वही चीज़ आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो यार आपको सीख कहाँ रहे हो, ठीक है? तो आपको खुद से भी एफर्ट मारना पड़ेगा, ठीक है? अब हम इसको रन कराते हैं तो हमको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे रन हो जा भाई, यहाँ पे देखो आपको मल्टीपल्स आइटम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देखो यार क्या देखो यार, पांच आइटम्स के बाद हमको कुछ दिख ही नहीं रहा यार, मतलब पांच हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किए हैं 16 आइटम्स, ओके, और हमको दिख रहा है पांच आइटम। तो यार अब इसका क्या है, इसका किक क्या है? बस एक लाइन ऑफ कोड है यार, एक लाइन ऑफ कोड लिखो यहाँ पे, बस क्या लिखो आप, पेजिनेशन इक्वल टू ट्रू, बस यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड लिखो, आपका जो है काम तमाम, पेजिनेशन आ जाएगा, पेजिनेशन, यूज पेजिनेशन आपको करना है, ओके, यहाँ पे यूज पेजिनेशन, ओके, यूज पेजिनेशन इक्वल टू ट्रू, ओके। तो यहाँ पे हमारा पेजिनेशन जो है ये वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे रन हो जाए, देखो यहाँ पे है ना, वन ऑफ 16, मतलब 16 आइटम है, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, नंबर ऑफ द रो, यहाँ पे कितना मतलब करना है, 10 आइटम आपको करना है तो 10 आइटम कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर कर सकते हो, देखो मतलब ऐसे इसको अभी यहाँ पे टच नहीं है ना, यहाँ पे मोबाइल अप कर रहता है तो यहाँ पे टच होता, देखो कितने नंबर आप एक पेज में कितने नंबर आप ऐड कराना चाहते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं 5 कराता हूँ, उसके बाद पेजिनेशन से यहाँ पे सीधे हम यहाँ पे जंप करेंगे, ठीक है, ओके। तो देखो यार पेजिनेशन वगैरह कितना अच्छे से काम कर रहा है यार, मतलब हम लोग को बस एक लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा, यूज पेजिनेशन इक्वल टू ट्रू, सारा काम ऑटोमेटिकली कर दिया हमारे KVMD ने, ठीक है। तो ये यार काफ़ी आसान हो जाता है यार आपके लिए, मतलब यार बहुत ही इजीली आप पेजिनेशन वगैरह और यहाँ पे डेटा टेबल बना सकते हो। सिंपल क्या किया है आपने, देखो सिंपल आपने क्या किया है, मतलब एंकर लेआउट को के अंदर हम लोगों ने MD डेटा टेबल को इनिशियलाइज किया है, और उसके बाद हम लोगों ने सीधे बस उसके अंदर जितनी भी फंक्शनलिटी है यूज कर लिया है, ठीक है। ये टर्म आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा तो मैं आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ हम लोग को क्या करना है, सिंपल इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, ओके, कन्फ्यूजिंग अगर आपको लग रहा हो तो मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल मैं दिखाता हूँ, पहले जैसा जब जैसे हम लोग पहले ऐप बनाते थे सिंपल वैसे ही, इसका हम लोग क्या नाम देंगे, इसका हम नाम दे देते हैं लेआउट, ओके, लेआउट हम लोगों ने इसका नाम दे दिया, जो हम लोगों ने लेआउट करा। उसके बाद हम लोगों ने माई टेबल इसका नाम दे दिया, जो हम लोग टेबल बनाएंगे MD डाटा टेबल। उसके बाद जो हम लोगों ने कॉपी किया है माई टेबल के अंदर के डेटा को, हम लोग यहाँ पे बस उसको इनिशियलाइज कर देंगे, देखो माई डेटा इसके अंदर जो भी हम लोगों ने कॉपी किया, देखो MD डेटा टेबल इसके अंदर हम लोगों ने जितने भी फंक्शनलिटी लिखे MD डेटा टेबल के अंदर, वो चीज़ें हम लोग ने इसके अंदर इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है लेआउट में ऐड कर देना है इसको, ऐड विजिट, यहाँ पे ये मेरा ऐड विजिट कर देना है, मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो काम कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ पे हम लोग को क्या वो करना है, माई टेबल इसको कर देना है, और उसके बाद हम लोग को रिटर्न करा देना है लेआउट को, ठीक है, पहले जैसा हम लोग इसको कोड अब लिख दिए, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कराए थे, अब हम लोग उसको ऐड करके लेआउट को रिटर्न करा दिए हैं, जो पहले हम लोग का फ्लो था सिंपल वही वर्क करेगा, कुछ भी नहीं है इसमें रॉकेट साइंस, ठीक है। तो बस वही चीज़ें हम लोगों ने किया ना, जो हम लोग करते आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मान लो रो डेटा को हम लोग यहाँ पे कोलैप कर दिए, यहाँ पे ये कर दिए, ठीक है। देखो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एज दैट, इसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी है वो बाद में लिखना। देखो हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने लेआउट को इनिशियलाइज किया, ठीक है, उसके बाद MD डेटा टेबल को इनिशियलाइज किया इसमें, ठीक है, उसके बाद लेआउट में हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया MD डेटा टेबल को, और उसके बाद लेआउट को रिटर्न करा दिया, सिंपल हम लोग यही तो करते आ रहे हैं आज तक, ठीक है। तो दोनों मेथड है, आप डायरेक्ट रिटर्न भी करा सकते हो, या फिर आप जो आपका पहले वाला मेथड था वैसे आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखना चाहते हो, ओके। तो ये बहुत ही इजी था आपका डेटा टेबल, ठीक है। अब
तो यार ऐसे करके आप अपना टेबल का प्रोग्राम बना सकते हो। और इसमें मैंने नोट्स में आपको दो तीन चीज़ें आपको दे रखी है, वो चीज़ें आपकी होमवर्क है। जैसे यहाँ पे टू क्लिक वेन बटन प्रेस्ड, मतलब अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो क्या, मतलब आप उसके साथ भी कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बता रखा है कि क्या फंक्शन आपको लगाना है, ठीक है। और इसका हल्का सा मैंने ये एग्जांपल भी दे रखा है कि एक आपको फंक्शन बनाना है डेप चेक प्रेस, ठीक है, एक ये बनाना है। इसमें दो तीन पैरामीटर पास करना, सेल्फ पैरामीटर पास करना है, इंस्टेंस टेबल पैरेंट मतलब पास करना है, और करंट रो पास करना है। उसके बाद आप जो भी इसके अंदर फंक्शन जो भी आप लिखोगे वो चीज़ें परफॉर्म होंगी। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट मैथड लिखा था और यहाँ पे मतलब वो परफॉर्म होगा। तो ये चीज़ें आपको खुद ही एक्सप्लोर करना है और ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी है, ठीक है। और साथ में आपको एक और होमवर्क है, ये चीज है, इसको आपको बिल्डर मेथड से खुद बना के देखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो गूगल का और थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। इसको बिल्डर मेथड से भी बना के आपको देखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे ये वर्क करता है और कैसे ये मतलब काम करता है और मतलब डाटा टेबल, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कॉन्टेंट में इंटरेस्टेड हो, कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करो यार मेरे को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आज के वीडियो में हम लोगों ने डेटा टेबल के बारे में देखा था। अगली वीडियो में हम लोग इससे अच्छे अच्छे और मतलब इसमें टूल टिप वगैरह देखेंगे जो मतलब एक ऐप को जान देता है, किसी भी एंड्रॉयड ऐप या कोई भी ऐप हो तो उसको एक जान देता है, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना गाइस, सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।